प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल समेत कई मंत्री और सभी जिलों के कलेक्टर भी ऑनलाइन जुड़े। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि जल संचय ये केवल एक योजना नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहे तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा, क्योंकि ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए हमने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। मुझे खुशी है आज इस दिशा में जन भागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास शुरू हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को, गुजरात सरकार को और इस अभियान में भाग ले रहे देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं।